नमस्कार दोस्तों, यू आर वॉचिंग 0 to 9 और मैं हूं आपका होस्ट एम के वर्मा। तो स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होगा। लेट अस स्टार्ट। फ्रेंड्स, आज की स्मार्ट क्लास बेस्ड है हिस्ट्री के ऊपर और इसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि सभी तरह के कम्पिटेटिव एग्जाम, एंट्रेंस टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स वाज नोन टू द पीपल ऑफ द इंडस वैली, मीन्स सिंधु घाटी के लोगों को किस खेल की जानकारी थी। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे ऑप्शंस नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैं ऑप्शन पढ़ूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके सभी ऑप्शंस आराम से पढ़ सकते हैं। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन का आंसर है गेम ऑफ डाइस, मीन्स पासे का खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिड महावीरा द रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म बिलोंग्स टू, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किस जनजाति से थे। तो इसका आंसर है यांत्रिक जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द न्योलिथिक पीपल हैड देयर सेटलमेंट्स इन, नवपाषाण युग के लोग अपनी सेटलमेंट कहां पर की थी। तो इसका आंसर है नेचुरल रॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच आर्कियोलॉजिकल साइट द एविडेंस ऑफ फायर कल्ट वाज फाउंड, किस पुरातात्विक स्थल पर अग्नि उपासना का साक्ष्य मिला है। तो इसका आंसर है हस्तिनापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज In which of the following years the Numismatic Society of India was established at Allahabad, means भारतीय मुद्रा परिषद की स्थापना इलाहाबाद में किस वर्ष में हुई। तो इसका आंसर है 1910। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चचनामा इज अ हिस्ट्री ऑफ सिंध एंड वाज ओरिजिनली रिटन इन, तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है चचनामा सिंध का इतिहास है और मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है। तो इसका आंसर है अरबी भाषा, यानी कि अरेबिक लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग अशोकन इंस्क्रिप्शंस द ब्रह्मी स्क्रिप्ट वाज नॉट यूज्ड, मीन्स निम्नलिखित अशोककालीन शिलालेखों में ब्रह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था। तो इसका आंसर है सहवाज घड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोहम्मद बिन तुगलक एंड इंपीरियर अकबर used to drink the water of which of the following river, means मोहम्मद बिन तुगलक तथा सम्राट अकबर निम्नलिखित में से किस नदी का पानी पीते थे। तो इसका आंसर है यमुना रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आमिर खुसरो इज नोन टू हैव इनोवेटेड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, मीन्स आमिर खुसरो ने निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था। तो इसका आंसर है सितार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मार्बल स्टोन यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ताजमहल वाज ब्रॉट फ्रॉम, मीन्स ताजमहल के निर्माण में संगमरमर पत्थर कहां से लाए गए थे। तो इसका आंसर है मकराना।
Next question is, who among the following Indian rulers had first opposed the Portuguese? Means, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से किसने सर्वप्रथम पुर्तगालियों का विरोध किया था? तो इसका आंसर है जमोरिन. Next question is, who among the following did issue the दस्तक? निम्नलिखित में से कौन दस्तक जारी करता था? तो इसका आंसर है नवाब ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल का नवाब. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मुजफ्फर जंग द निजाम ऑफ हैदराबाद हैड ग्रांटेड टेरिटोरियल कंसेशंस टू. इट मीन्स मुजफ्फर जंग जो कि हैदराबाद के निजाम थे ने क्षेत्रीय रियायतें किसे प्रदान की थी? तो इसका आंसर है डच, यानी कि डच को. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग डिड स्टार्ट द रियोटवारी सेटलमेंट इन मद्रास? निम्नलिखित में से किसने मद्रास में रायतवारी बंदोबस्त प्रारंभ किया था? तो इसका आंसर है थॉमस मुनरो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेन कैंप वाज रिटन बाई मेन कैंप बुक का लेखक कौन है? तो इसका आंसर है एडोल्फ हिटलर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द नेहरू महालानोबिस स्ट्रेटेजी एसोसिएटेड विद? मीन्स नेहरू महालानोबिस युक्ति कौशल किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है सेकेंड फाइव ईयर प्लान. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टेब्लिश्ड इन द मीन्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर है लेट 16th सेंचुरी, मीन्स 16वीं शताब्दी के अंतिम काल में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन हेगल्स टाइम इन विच टू स्फियर्स हिस्टोरिकल राइटिंग्स वर लिमिटेड एंड ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद दोज? मीन्स हेगेल के समय में किन दो अध्ययनों पर इतिहास लेखन सीमित था और उनसे वह संतुष्ट नहीं था? तो इसका करेक्ट आंसर है लिमिटेड टू पॉलिटिकल एंड बायोग्राफिकल वर्क्स, मीन्स राजनीतिक और आत्मकथा कृतियों तक सीमित. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हेगल एक्सपेंडेड हिस्ट्री राइटिंग्स बाय एम्फेसाइजिंग ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग. निम्नलिखित में से किस एक विषय पर हेगल ने इतिहास लेखन पर जोर दिया? तो इसका आंसर है सोशल हिस्ट्री, यानी कि सामाजिक इतिहास. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन हेगल्स वर्ड मोटिव्स डिफर फ्रॉम दोज प्रोफेस्ड बट टू अंडरस्टैंड दिस वन रिक्वायर्स टू. मीन्स हेगल्स के शब्दों में बहुआ वास्तविक तथा प्रदर्शित प्रायोजन में भिन्नता है, किंतु इसको समझने के लिए आवश्यक है हैव मोर क्रिटिकल अप्राइजल ऑफ सोर्स मटेरियल. मीन्स स्रोत सामग्रियों का अधिक आलोचनात्मक मूल्यांकन करना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द सेंटर ऑफ स्टोन टूल मैन्युफैक्चर इज फाउंड? निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल पर
प्रस्तर उपकरण निर्माण का केंद्र पाया गया? तो इसका आंसर है इसामपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सट्रावेशंस एट द साइट्स ऑफ द प्लेसेस मेंशनड इन द महाभारत आर रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कल्चर। मीन्स महाभारत में वर्णित स्थलों की पहचान निम्नलिखित में से किस स्थल से की जाती है? तो इसका आंसर है पेंटेड ग्रेवियर, मीन्स चित्रित धूसर भांड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज नॉट एसोसिएटेड विद मैच्योर हरप्पन सेटलमेंट। इसका मतलब है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल परिपक्व हड़प्पीय स्थल से संबंध नहीं है? तो इसका आंसर है सरायखोला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली इन विच प्लेस ब्रोकन रिलीफ स्कल्पचर ऑफ किंग अशोका हैज बीन डिस्कवर्ड। वर्तमान में राजा अशोक की खंडित अद्भुत प्रतिमा कहां से मिली है? तो इसका आंसर है कनगनहली कर्नाटका। कर्नाटक में कनगनहली नामक एक जगह है जहां से अशोक की टूटी हुई मूर्ति मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर रिलीजियस प्रैक्टिसेस इन द कंटेम्पररी पीरियड ऑफ बुद्धा हैज बीन मेंशनड। मीन्स बुद्ध के समकालीन धार्मिक संप्रदायों का उल्लेख किस बौद्ध साहित्य में प्राप्त होता है? तो इसका आंसर है ब्रह्मजाल सूत्र। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे और इसी तरह के ढेर सारे वीडियोस हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, जिन्हें देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और मेरे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इंतजार कीजिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का। टिल देन कीप वॉचिंग 0 to 9।